आप निकाल लीजिए गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसका 5 पद, लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। इस पद में बोझ का यूनानी भाषा में अर्थ है उठाने वाला बोझ। यह शब्द जहाज के माल के लिए काम में लिया जाता था और यह गर्भवती महिलाओं के लिए भी गर्भ के बोझ के लिए काम में लिया जाने वाला शब्द था। केवल माता ही इस बोझ को उठा सकती थी। यह बोझ किसी और के लिए उठाना संभव नहीं है। जेबी फिलिप के अंग्रेजी अनुवाद में 6:5 की व्याख्या है, प्रत्येक मनुष्य अपना ही थैला उठाए। एक पुरानी कहावत है, हर एक मनुष्य का अपना काम। एक और कहावत है, बाल्टी अपने ही पेंदे पर बैठेगी। कहने का अर्थ है कि कुछ बोझ ऐसे हैं जिन्हें ना आप बांट सकते हैं और ना मैं। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक जीवन दूसरे से अलग है। डॉक्टर फंक की डिक्शनरी में सबसे अधिक दुखद शब्द है अकेलापन। अतः कुछ बोझ ऐसे हैं जो केवल हम ही उठा सकते हैं। मैं कुछ ऐसे बोझ सुझाता हूँ। अन्य बोझ की कल्पना आप स्वयं करें। पहला है कष्ट। आपको अकेले ही कष्ट उठाना है। आपका कष्ट और कोई नहीं उठा सकता। आप इस कठिन संसार में अकेले आए हैं। आप अकेले ही अपना कष्ट भोगेंगे। कुछ समस्याओं का सामना आपको अकेले ही करना होगा। आप पर कुछ शारीरिक कष्ट आएंगे। यदि आप रोगी हो तो आपका स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। मेरा बड़ा बेटा जब छोटा ही था तब उसे बुखार चढ़ गया। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने उसके लिए दवाइयाँ दे दी। मार्ग में मेरी पत्नी ने उसका बुखार नापा तो वह 104 डिग्री था। दवाइयों से लाभ नहीं हुआ था। हम एक जगह पर रुककर दूसरे डॉक्टर को उसे दिखाए। डॉक्टर ने कहा कि उसे दवाई देते रहें और अगले दिन सुबह अस्पताल आएं। मैं कभी नहीं भूलता कि उसे गोद में अस्पताल ले जाते समय मेरी क्या मनोदशा थी। मुझे ऐसा अनुभव जीवन में कभी नहीं हुआ था। यदि हो सकता तो मैं उसका बुखार अपनी देह में ले लेता, परंतु मेरे मित्रों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमें अकेले ही कष्ट उठाना है। आपका स्थान कोई और नहीं ले सकता। कष्ट को हम किसी के साथ नहीं बांट सकते। निराशा, अनेक जन निराशा से घिरे हुए हैं। निराशा के कारण वे कड़वाहट से भर गए हैं। कष्ट हमें अकेले ही उठाना है। एक और बोझ है जो हमें अकेले उठाना है, वह है मृत्यु। हमें अकेले ही मौत की घाटी से जाना है। एक अज्ञेयवादी थॉमस होब्स ने मरते समय कहा, मैं अंधकार में भयातुर छलांग लगा रहा हूँ, और वह पुकार उठा, हे परमेश्वर, मैं अकेला हूँ। जी हाँ, मृत्यु का बोझ आपको अकेले ही उठाना है। जॉन हे निवर्तमान अमेरिकी राज्य सचिव ने मृत्यु के विषय लिखा, मेरा छोटा आनंद का दिन पूरा हुआ। लंबी एकांत की रात आई। मेरे द्वार पर घोड़ा आया कि ले चले मुझे अनजान देश में। यह कविता उन्होंने मृत्यु के बारे में लिखी थी। मेरे मित्रों, मृत्यु के लिए आप और मैं अकेले ही यात्रा करेंगे। यह बोझ हमें अकेले ही उठाना है। अब मैं तीसरा और अंतिम बोझ का उल्लेख कर रहा हूँ। यह है प्रभु का न्याय आसन, जो केवल विश्वासियों के लिए है। अविश्वासियों के लिए श्वेत सिंहासन है, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय और 2 कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में पौलुस कहता है कि विश्वासियों को उनके कर्मों का फल वहां दिया जाएगा। उद्धार तो सदा के लिए क्रूस के द्वारा मिल गया है, परंतु विश्वासी के काम ईश्वर के सिंहासन के समक्ष परखे जाएंगे। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसके 12 पद में पौलुस लिखता है, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। उसके पश्चात पौलुस जीवन के प्रत्येक पक्ष के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है। पद 7 में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह सिद्धांत प्रकृति में मान्य है। आप कपास बोएंगे तो कपास ही काटेंगे, गेहूं उगाएंगे तो गेहूं ही काटेंगे। विश्वासी भी जो बोएंगे वही काटेंगे। एक अंग्रेजी के गाने का अर्थ है, पुराना लेखा बंद हो गया, परंतु मैं पूछता हूं, नए लेखे का क्या होगा? आपके उधार पाने के बाद का लेखा। जी हाँ, मसीह को ग्रहण करने के बाद आपका जीवन क्या है? क्या आपके जीवन में पाप है? क्या आपने अपना पाप स्वीकार किया है?
हम सबको मसीह यीशु के न्याय आसन के सामने खड़ा होना होगा। पहला योना की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, जैसा वह ज्योति में है हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अब कोई कहे मैं विश्वासी हूँ और मुझ में पाप नहीं, तो आप ज्योति में नहीं हैं, क्योंकि ज्योति में आपको अपने पाप दिखाई देते हैं। परमेश्वर का वचन ज्योति है और वह आप में जो है उसे प्रकट करता है। याकूब के पत्र 4 अध्याय उसके 17 पद को अपना कर देखें, जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। क्या यह आपके लिए प्रासंगिक है? मेरे विचार में तो यह सबके लिए प्रासंगिक है। जो भलाई करना जानता है और करता नहीं वह पाप करता है। आप परमेश्वर की संतान हैं, अतः आपका जीवन एक बोझ है जिसे आप एक दिन प्रभु के समक्ष रखेंगे। एक और बोझ है जिसे न तो आप उठा सकते हैं और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार यह पाप का बोझ है। रोमियो के पत्री उसके 1 भाग में पौलुस इसकी चर्चा करता है। भजन संहिता 38 उसके 4 पद में दाऊद कहता है, मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। मेरे मित्रों, पाप एक ऐसा बोझ है जिसे ना तो आप उठा सकते हैं और न ही इसे उठाने में कोई आपकी सहायता कर सकता है। यही कारण है कि दाऊद कहता है, मेरा अधर्म मेरे सिर से ऊपर हो गया है और मेरे लिए उसका बोझ बहुत अधिक है। भजन संहिता 55 उसके 6 पद में वह कहता है, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। क्या आपको कभी ऐसा प्रतीत हुआ है? कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं कि हम इन सब से दूर हो जाएं। भजनकार कहता है, काश मैं इससे निकल पाता, आप और मैं इससे निकल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम में अपराध बोध है। मुझे मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि अपराध बोध हम में ऐसा बसा है जैसे सीधा हाथ। उन्होंने इससे मुक्ति पाने का प्रयास किया परंतु सफल न हुए। सब में अपराध बोध है। लेखक सर आर्थर केनन डायल व्यवहारिक चुटकुले करने में आनंद लेते थे। एक बार उन्होंने अपने परिचित लंदन के 12 प्रसिद्ध मनुष्यों को तार भेजा, तुरंत भाग लो, सब कुछ पता चल गया है। 12 ने देश छोड़ दिया जबकि वे निष्ठावान नागरिक थे। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ मेरे प्रियो कि हम सब में दोषी विवेक है। पाप एक ऐसा बोझ है जिसे हम न तो उठा सकते हैं और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं। वह हमारे लिए बहुत भारी है। इससे मुक्ति पाने का एक ही स्थान है, मसीह यीशु का क्रूस। भजन संहिता 55 उसके 22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जी हाँ, पाप का भारी बोझ वही उठा सकता है क्योंकि उसने उसका दंड चुकाया है। केवल वही है जो आपका बोझ उठाएगा और आपको मुक्ति दिलाएगा क्योंकि उसने कीमत चुकाई है। मेरे मित्रों, इसको प्रकट करती हुई 2 मूर्तियां हैं। वे रोम के वेटिकन नगर में रखी हुई हैं, मरणहार गाल और लाओकून। मरणहार गाल रोम में लाए गए एक दास का प्रतीक है जो अखाड़े में घायल होकर मरने पर है और उसका जीवनदायक खून बह रहा है। वह सहायता के लिए किसी की खोज में है परंतु वह एक परदेश में है जहां उसकी सहायता के लिए कोई भी नहीं है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आज यह दशा उस मनुष्य की है जिसके पास प्रभु यीशु नहीं है? केवल प्रभु यीशु ही है जो हमारी सहायता कर सकता है क्योंकि वह इसी कारण संसार में आया था। लुका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 10 पद में उसने कहा है, मनुष्य का पुत्र खोई हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 45 पद में उसने कहा, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु ने आपके और मेरे पापों का दंड भोगा।
हम उस मरणहार ग्लेडिएटर की नाई उसको निहार कर उद्धार पा सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी मूर्ति लाओकोन ट्राय नगर के एक पुजारी की है, जो अपने दो पुत्रों को समुद्री सर्पों द्वारा जकड़ा हुआ देख रहा है। वह उनकी सहायता के लिए गया, परंतु सर्पों ने उसे भी कुचल दिया और तीनों मर रहे हैं। मेरे लिए यह व्यक्तिगत पाप का बोझ प्रकट करता है जो हमारे सहन शक्ति के बाहर है। यह हमें अनंत मृत्यु के पंजे में ले जाता है। आप अपने बोझ के साथ क्या करेंगे? कुछ बोझ आप बांट सकते हैं, जबकि कुछ बोझ आपको स्वयं ही उठाने हैं। परंतु पाप का बोझ आपकी क्षमता से कहीं अधिक है, आप उसे उठा नहीं सकते। 2012 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु ने आपका वह बोझ उठा लिया था और क्रूस पर ठोक दिया गया। आज यह बोझ आपके ऊपर है, या यदि आपने विश्वास करके मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया है तो वह उस पर है। यह आप दोनों पर नहीं हो सकता, यह या तो आप पर होगा या मसीह यीशु पर। मसीह यीशु उसे बांटता नहीं, पूरा उठा लेता है। गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 6 पद में हम पढ़ते हैं, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। मेरे मित्र, यह संभवतः बाइबल का सबसे अधिक स्पष्ट पद है। पौलुस वास्तव में 2 टुक कहता है, सिखाने वाले को भागी करें, अर्थात जो आपको आत्मिक लाभ पहुंचाता है उसे आप भौतिक लाभ पहुंचाएं। परमेश्वर ने आपको सांसारिक आशीषें दी है, इसलिए आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप आत्मिक आशीषें प्रदान करने वाले को सांसारिक लाभ पहुंचाएं। यह बांटने का अनुग्रह रूपी आधार है। यदि आप दुकान से कुछ खरीद कर पैसा न दें तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। अनेक जन आत्मिक लाभ तो उठाते हैं परंतु बदले में कुछ नहीं देते। इस विषय में कोई कुछ नहीं सोचता। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको आपके आत्मिक सेवकों के साथ आशीषें बांटना चाहिए। आगे हम पढ़ते हैं गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद में, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यहां ध्यान देने योग्य पदों में से एक है, यह नियम जीवन के हर एक पक्ष में लागू होने वाला अपरिहार्य नियम है। कृषि विज्ञान में आप जो बोते हैं वही काटेंगे। मक्का उगाकर आप मक्का ही काटेंगे और कपास उगाकर आप कपास ही काटेंगे। इसी प्रकार नैतिकता के क्षेत्र में भी आप वही काटेंगे जो आप बोएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया। उसने हमें फसल काटने वाले के बारे में भी बताया। एक बार जेल में एक आगंतुक आया, उसने देखा कि वहां एक कैदी अपने वस्त्र सिल रहा था। उसने पूछा, क्या कर रहे हो, सिलाई कर रहे हो? उसने उत्तर दिया, नहीं, भुगत रहा हूं। इस पद का अभिप्राय यही है, यह सिद्धांत अपरिवर्तनीय है, बदला नहीं जा सकता, एक बिंदु भी नहीं, एकमात्र बिंदु भी नहीं। यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। आप गेहूं बोकर गेहूं की फसल ही काटेंगे, आप गेहूं बोकर मक्का नहीं काटेंगे, आप अखरोट के वृक्ष से संतरा नहीं तोड़ पाएंगे, तरबूज की बेल कितनी भी दूर चली जाए वह कद्दू नहीं उगाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कुछ आप बोते हैं आप उसे ही काटेंगे। यह सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। इस सिद्धांत के अनेक उदाहरण बाइबल में हैं। याकूब उत्पत्ति की पुस्तक 27 से 29 अध्याय में याकूब ने अपने पिता इसहाक को धोखा दिया। उसने बकरी की खाल पहनकर अपने भाई का रूप धारण किया और धोखे से पहलौठे की आशीषों को प्राप्त की। वहां से भागकर याकूब वर्षों अपने मामा के पास रहा। वह सोचता था कि वह अपने पिता को धोखा देकर बच निकलेगा, परंतु सदा स्मरण रखें, परमेश्वर कहता है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा, उसके जैसा नहीं, ठीक वैसा ही जैसा आप बोते हैं। याकूब के साथ क्या हुआ था? वह राहेल के साथ प्रेम करने लगा और उसे पाने के लिए 7 साल अपने ससुर की सेवा की और अंत में विवाह के बाद देखा कि वह राहेल नहीं, उसकी बड़ी बहन लिया थी। मेरे विचार में यह याकूब के लिए एक महान शिक्षा थी।
उसने अपने पिता को बड़ा पुत्र होने का धोखा दिया तो उसके मामा ने उसे लिया को छोटी बहन बनाकर धोखा दिया। मेरा विश्वास करें, मुर्गी बसेरा करने घर ही आती है, चाहे कहीं भी क्यों ना हो। पहला राजा की पुस्तक अध्याय 21 में आहाब और इजाबेल की कहानी है। उन्होंने नाबोत की दाखबारी लेने के लिए छल करके उसे प्राण दंड दिया था, क्योंकि आहाब को उसकी दाख की बारी मन भावन लगी, अर्थात पसंद लगी, परंतु वह उसे बेचना नहीं चाहता था। वह तो राजा था और जो चाहता था हथियार लेता था, अतः उन्होंने नाबोत को मरवा कर उसके दाख की बारी को ले ली। परमेश्वर ने इलियाह के द्वारा उसे संदेश भेजा, पहला राजा की पुस्तक 21 अध्याय उसके 19 पद में, जिस स्थान पर कुत्तों ने नाबोत का खून या लहू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लहू चाटेंगे। आहाब सोचता था कि वह बच गया, परंतु एक दिन युद्ध में घायल होकर उसने अपने सारथी से कहा कि वह उसे युद्ध क्षेत्र से निकाल कर बाहर ले जाए। उसका लहू रथ में बह रहा था। युद्ध के बाद वह सामरिया में आया और वहां जब रथ धोया गया तो कुत्तों ने उसका लहू चाटा। पौलुस भी एक उदाहरण देता है और वह स्वयं भी एक उदाहरण है। पौलुस स्तफनुस के पत्थरवाह में अगुवाई कर रहा था, परंतु मन फिराव के बाद वह सुसमाचार प्रचार करता हुआ गलातिया प्रदेश को आया तो वहां उससे पत्थरवाह किया गया। अब आप सोचेंगे कि उसने तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था और उसके पाप धुल गए थे, अतः वह अपनी बोई हुई फसल नहीं काटेगा। यह तो परमेश्वर का नियम है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, और पौलुस के साथ भी यही हुआ। मुझे आज भी प्रचारक मेल ट्राटर की एक घटना स्मरण है। एक रात सभा के बाद रेस्तरां में वो गए, एक होटल में गए, सबने कुछ न कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया, परंतु उन्होंने केवल सोडा अर्थात पानी मंगवाया। उनसे पूछा गया कि उन्होंने केवल पानी ही क्यों लिया। उनका उत्तर मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। प्रभु ने मेरे मन फिराव पर मुझे नया मन दिया, परंतु नया पेट नहीं दिया। मैंने वर्षों शराब पीकर जो बोया है उसे काट रहा हूँ। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आप बच नहीं सकते। आप कोई भी क्यों ना हो, कहीं पर भी क्यों ना छुपे हो, लेकिन परमेश्वर से आप बच नहीं सकते। मेरे जवान भाई बहन, आप कितने भी पाप कर लें उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपके माता पिता, भाई बहन, आपके मित्र, आपके पड़ोसी कोई नहीं जानते हैं, लेकिन इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बीज बो रहे हैं। काश युवा पीढ़ी इस सिद्धांत की सत्यता को समझ पाए। अनेक जन आज नशा करते हैं, अनेक जन यौनाचार और व्यभिचार में संतोष खोज रहे हैं, कुछ ने तो अपने कर्मों का फसल काटना आरंभ कर दिया है। यौन रोग चरम सीमा पर है और मानसिक असंतुलन संकट स्तर को छू रहा है। क्यों? परमेश्वर कहता है कि पाप करके बचना संभव नहीं, चाहे आप कैसी भी दवाई खाएं। परमेश्वर ने कह दिया है, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता है। मेरे मित्र, मक्का बोकर आप मक्का ही काटेंगे, पाप बोकर आप पाप ही काटेंगे। अब आप में से कोई कहेगा, मेरा मन परिवर्तन हो गया है, यह बहुत ही अच्छी बात है, परंतु आपको एक दिन वही काटना होगा जो आपने बोया है। मेरे मित्रों, मैं नहीं जानता कि आपने क्या बोया है और आप क्या बो रहे हैं। याद रखें कि एक दिन फसल तैयार होगा और आपको इसे काटना ही होगा। आप इसका इनकार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और सच्चा पश्चाताप कर मन फिराएं, ताकि हम अनंत जीवन का लाभ उठा सकें, उसका आनंद उठा सकें। क्या आप यीशु के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप पाप में डूबे रहें या बाहर आएं? मेरे मित्र, आज आपको निर्णय लेना है। अपने जीवन की हर एक बातों को आप जानते हैं, आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। आज समय है कि आज आप सुधर जाएं।